हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज ये वाला जो वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ, ये मेरे बर्थडे वाले दिन का है, 24 अगस्त का। काफ़ी लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। ऑपरेशन हुआ है मेरा, 25th को ही करा लिया था, नेक्स्ट डे बर्थडे के, तो वीडियो एडिट ही नहीं कर पाई थी। आज वीडियो मैंने देखा, अच्छे से एडिट किया और आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। तो सुबह के टाइम पर ना हम सदर काली माता के मंदिर में आए थे, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। तो छोटी सी क्लिप मैंने आप सब लोगों के लिए भी शेयर कर ली, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हम लोग इस टाइम पे दर्शन कर चुके थे, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये शूट कर लिया है। बहुत ज़्यादा लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप मंदिर के आसपास रहते हो, तो मैं आसपास तो नहीं रहती मंदिर के, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है मंदिर। बहुत मतलब ईज़िली हम लोग पहुँच जाते हैं, मुश्किल से 10 मिनट लगते होंगे। फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद काली माता के हम लोग आ गए थे ओगणनाथ मंदिर में। तो ये वाला मंदिर भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जो जानते होंगे इन दोनों मंदिर के बारे में, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और जो इन मंदिरों के आसपास रहते हैं, जो मिलना चाहते हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। तो इस वाले मंदिर में मैं ओगणनाथ मंदिर में अभी मैं कुछ दिन पहले भी आई थी, जब मेरी फ्रेंड आई थी मुझसे मिलने के लिए, मीटिंग थी जब हमारी, तो हम लोग इस मंदिर में आए थे। वो बहुत टाइम से चाहती थी इस मंदिर में आना, दर्शन करना, तो उस दिन वो आई, मेरे साथ मिली, दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा दिन निकला था वो हमारा ना। फिर अभी थोड़ा बहुत मेरा जो है शूट चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, रील वील के लिए कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही यूँ ही किया था मैंने। अच्छा लग रहा था, स्पेशल फील हो रहा था मेरे को बर्थडे का। बहुत कुछ सोच रखा था, जैसे सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन सच बताऊँ बहुत बहुत अच्छा दिन मेरा गया था बर्थडे वाले दिन का। यहाँ पर हम आ गए थे ये राधा कृष्णन वाले मंदिर में, जो भोले बाबा का मंदिर है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, वहाँ तो शूट करने का कुछ मतलब ही नहीं बनता है। तो ये वाले मंदिर में आए, काफ़ी अच्छा लगा और बहुत मतलब सुकून सा मिलता है मंदिर आके। दोनों मंदिर में हम लोग आके दर्शन करके गए थे। दिया का स्कूल का टाइम हो गया था, दिया पुनिया उसके पेपर चल रहे हैं, अदरवाइज़ वो भी आती, मैं उसकी छुट्टी ज़रूर कराती, बट पेपर चल रहे थे। और ये है इवनिंग टाइम की मेरे बर्थडे का केक, स्पेशल सा था, हार्ट शेप में। थैंक यू सो मच, मेरे को ना मतलब स्पेशल सा फील हो रहा था बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, और मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी, बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल भी हो रही थी। और बर्थडे मेरा सच में बहुत बहुत अच्छा रहा, और काफ़ी सारे लोग जो मेरे नोन हैं, उन लोगों को मैंने पर्सनली फ़ोटोज़ भी भेजी थी, अपने बर्थडे की वीडियो भी भेजी थी, जो कि सब लोग बहुत खुश हो रहे थे मेरे को इस तरीके से देख के, और अच्छा अच्छा मेरे को बहुत सारा प्यार दे रहे थे, ब्लेसिंग दे रहे थे। तो बस प्यार और ब्लेसिंग की मुझे ज़रूरत है, बाकी बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई है, अप्स एंड डाउन्स, जुलाई क्या बोलूँगी, मई से ही जो है चल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं उन सारी चीज़ों में वापस जाऊँ। चीज़ें अभी भी चल रही है, मैं शेयर करूँगी डेफिनेटली आप लोगों के संग में, थोड़ा बैठने लग जाऊँ अच्छे से प्रॉपर, तो मैं शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं हमेशा छुपाती रहूँगी ना, तो फिर वही चीज़ है कि मैं जब मैं बाद में बताती हूँ ना, तो सब लोग कहते हैं कि उस टाइम क्यों नहीं बताई, उस टाइम तुमने क्यों नहीं शेयर की। तो अब मैं कुछ नहीं छुपाऊँगी, मैंने सोच रखा है जो जो भी चीज़ें मेरे साथ अच्छी हो रही हैं, बुरी हो रही है, सब मैं शेयर किया करूँगी, और बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, मैं तो ये बोलती हूँ। आप लोग भी अगर आपके संग कुछ गलत हो रहा है ना, आप पहली बारी में ही जो है आवाज़ उठाओ, अदरवाइज़ आपके संग ना लोग खेलते रहेंगे हमेशा, जो कि अच्छा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ आपके हाथ में होनी चाहिए, और आपको किस तरीके से जीना है, आपको किस तरीके से किसके साथ रहना है, ये आप डिसाइड करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी एक लाइफ है, और एक ही बार लाइफ मिलती है, जिसमें अगर आप दूसरों के अनुसार जीते रहोगे ना, कभी आप खुश नहीं रह पाओगे। गाइज अभी रात के बज रहे हैं 11, और हम केक कट करेंगे दीपक के साथ में, मेरे लास्ट बर्थडे पे भी, सॉरी लास्ट नहीं, प्रीवियस बर्थडे पे भी, लास्ट बोल रही थी मैं, लास्ट टाइम पे भी, तो बहुत सब लोग गुस्सा कर रहे थे कि ऐसे नहीं बोलते कि लास्ट बर्थडे, ऐसे बोलते प्रीवियस बर्थडे पे। तो मेरे प्रीवियस बर्थडे पे भी यही हुआ था कि 2 केक कटे थे मेरे घर पे, और फिर तीसरा जो है यहाँ पर आके मैंने काटा था दीपक के साथ में। तो इस बार भी मेरा ये 3rd केक है, और दीपक के साथ हम कट करेंगे। सुबह भी मैंने दीपक को, जैसे एक होता है ना कि पूजा की कुछ मीठा खिलाया था, मैंने दीपक को मीठा खिलाया था हमेशा की तरह, जो भी कोई भी मतलब फेस्टिवल होता है
और कोई भी ओकेशन होता है दीपक को सबसे पहले मैं खिलाती हूँ। अब ये कह सकते हो भगवान से भी पहले जो है मैं दीपक को देती हूँ सारी चीज़ें। सीजनल भी कोई चीज़ आती है जैसे फ्रूट्स वगैरह, तो वो भी दीपक को मैं देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना मैंने देखी थी, यहीं पर देखी थी अपने ससुराल में, तो मैं करती हूँ जितना मेरे को याद रहता है, जितना मेरे को मतलब मैंने देखा है अपने टाइम पे, वो मैं चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बर्थडे ख़त्म हो जाएगा मेरा, केक निकाल लेते हैं, है ना। दियो बड़ी एक्साइटेड तो रहती है, लेकिन चुप चुप पता नहीं क्यों रहती है ये, नींद आ रही है अब इसको बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका एग्जाम भी था, एग्जाम तो नहीं था आज, था क्या सेलिब्रेशन था आज, लेकिन उठना तो फिर वही जल्दी वाले टाइम पे था ना। तो हम इसको खोल लेते हैं, इसमें मेरा फेवरेट वाला केक है। तो मेरे को ना पाइनएप्पल वाला जो केक है ना वो बहुत बहुत सही लगता है, और स्पेशली प्रीमियम, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, स्पेशली प्रीमियम पाइनएप्पल जो केक होता है ना, ये देखो ये मेरा फेवरेट वाला केक है। और ये केक जब मेरे को मिला था ना, तो साथ में ये भी मिला था, हैप्पी बर्थडे दी। और सेम एक और केक था जो कि गरिमा राय ने भेजा था, उस पर भी लिखा था हैप्पी बर्थडे दी, तो वो चॉकलेट वाला केक था, उसकी मैं फोटो नहीं ले पाई, बट कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच गरिमा। और ये वाला केक जो है भेजा है मेरे को जिसने, उसने बोला था मेरा नाम मत लेना, तो मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं दिखा जरूर दे रही हूँ कि मेरे को भेजा जिसने था, मैं उनकी दीदी लगती हूँ। वो बहुत ही प्यारा केक है, बहुत सही केक है ये वाला। सारी क्यों भाई, दियो देखो कितनी सारी वो लगा रही है, रुक रुको 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 रुको, उसके पीछे ही लगा दिया, मजा ऐसे आ रहा है इसको बहुत ज्यादा। मेरी बर्थडे के पता नहीं मेरा बर्थडे कब आएगा, पता नहीं क्या बात है, आएगा, मैं 8 साल से चलूंगा, तुम्हारा बर्थडे तो बहुत ही जल्दी आता है। पंखा बंद करना पड़ेगा, मेरी नकल कर रही है। आ ये सी तो चल रहा है, लाइन में माचिस जलाने नहीं आती। मुझको आती है, मैं तो 1 मिनट में जला लूंगी। अच्छा जी, आज जलाऊंगी मैं मोमबत्ती जलाने में अपना। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू मी, मेघा, मेरा बर्थडे मम्मी, मेरा बर्थडे तेरा मेरा बर्थडे बर्थडे, तो भाई लाओ का। वो दो, ये भी लगा दो, ये भी लगा रही हूँ मैं इसमें, हाँ ठीक है यहाँ पे मत लगाओ मम्मी, सारे एक जैसे ही हो गया ना, हटा दो एक इसे, ऐसे लगाता हूँ। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, बच्चे अपनी तरफ से करने मैं कोशिश, वो जल्दी दो करूँ, नाइफ दो, कहाँ है चाकू, नाइफ अब चाकू खो गया। सो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गाना तो गा दो, हैप्पी बर्थडे टू, नहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे बर्थडे का केक है, क्या लग रहा है, मेरे बर्थडे मम्मी फूक मारती। रुक जाओ। सो गाइस हम जो है अब केक कट करने वाले हैं, गाना गाओ पहले, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू टू यू, मी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू मी, टू हैप्पी बर्थडे टू मेघा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मोमबत्ती भी गल रही है, इसको चलो निकालो, रुक जा रुक जा, ये वाली मैं काट लूँ। चलो हैप्पी बर्थडे टू मेरी मी, हैप्पी बर्थडे टू टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मेघा, हैप्पी बर्थडे टू दिया की मम्मी, खुद ही खाए जा रही, खुद ही खाए जा रही है, मजे आ रहे हैं ज्यादा ही। तो मैं एक बाइट लूंगी, रुक जाओ, मैं ले लूंगी अपना बाइट, मैं बाहर खेलता हूँ ना, तो बच्चे बोल रहे थे कि तेरी मम्मी को विश करूंगा, देखो कर अभी नहीं, आपके सामने खड़े हुए थे मम्मी बच्चे। तो हम्म,
दिखा लेती हूँ। निकल ही नहीं रहा, ये हटा दो सब। चॉकलेट तो चाहे कुछ भी हो, कौन से केक में लगे मुझको वो वाला केक अच्छा नहीं लगता, लेकिन चॉकलेट तो मैं लूंगा। ऐसा समझे कि मेरा बर्थडे का केक है, फिर और मैंने अलग है क्या कुछ ये पको दे। तुमने तो खिलाया नहीं पा रहा है, खा लिया? नहीं नहीं खाया। बड़ी खुशबू नहीं आती तो खाओ, मुझको तो आ गई गुलाल के आके। गुलाल ये गुलाम गुलाब क्या किया। केक तो जो है कट हो चुका है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत ही जल्दी में अपने बर्थडे गिफ्ट। तो मेरा एक ये है बर्थडे गिफ्ट जो कि किसी स्पेशल ने मेरे को दिया है, और मेरे को सच बताऊँ तो मुझे खुशबू नहीं आती, मुझे खुशबू क्या मुझे बदबू भी नहीं आती है। मुझे नहीं आती, पता नहीं क्यों नहीं आती मुझे, मेरे अंदर ये कमी है, एक दो कमी और है जो मैं बताऊंगी, लेकिन मुझे ना तो खुशबू आती है ना मुझे बदबू आती है। तो ये बहुत ही प्यारा सा बुके स्पेशली मेरे लिए, और दिखाती हूँ मैं, ये मैंने बता दिया कि किसी समवन स्पेशल ने दिया है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सूट है, इंग्लिश कलर कहते हैं इसको ना, ये देखो नियॉन कलर है, बहुत बहुत अच्छा है। मैं इसको जब स्टिच करवाऊंगी पहनूंगी तो आप लोगों के संग शेयर करूंगी। तो गाइस मैंने मम्मी के लिए गिफ्ट लिया है। क्या गिफ्ट लिया? अरे परसों से खुद खरीद के यूज कर रही है, अब कह रही गाइस मैंने सूट लिया। तो ये वाला सूट जो है ये मेरे को दीदी ने दिया था, कौन सी दीदी ने दिया था वो मैं आपको नहीं बता सकती। सो ये सूट है, मैं सिलवा के पहन के तब दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। ये इस तरीके की पैकेजिंग में आया था, और मेरे को मिली है एक कहाँ गई तो मुझे ये चेन मिली है, ये भी मुझको दीदी ने दी है, कौन सी दीदी ने दी है ये मैं आपको नहीं बता सकती। और क्या मेरे को मिला, और मुझे गैस चूल्हा मिला है जो कि ज्योति मिश्रा ने भेजा है, वो मैंने अभी तक खुद भी ओपन नहीं करके देखा, तो वो हम करेंगे कल सुबह ओपन करेंगे, ठीक है। उसकी मैं आगे वीडियो लगा दूंगी क्योंकि मेरे को ओपन करके देखना है, वो बड़ी एक्साइटमेंट सी थी मुझको, लेकिन दो तीन दिन से तबीयत ही खराब थी तो मैं उसको खोल ही नहीं पाई हूँ, और कल भी देखो जो भी होगा जैसा भी होगा मैं आप लोगों के संग कल शेयर करूंगी। कल नहीं शेयर कर पाई लेकिन ब्लॉग तो मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगी मॉर्निंग से ही, ठीक है दी। और आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, और मैं घर भी गई थी अपने मम्मी के पास में, और क्या डॉक्टर के पास भी गई थी, दिया ट्यूशन भी गई थी, मतलब बहुत सारे काम थे जो मैंने किए, ऐसा नहीं है कि मैंने बर्थडे वाले दिन सिर्फ एंजॉय किया, मैंने जो अपने जिम्मेदारी वाले काम थे वो भी किए, और काम भी बहुत सारा किया, काम करने के लिए कोई है ही नहीं घर में, है ना। मजा आया बस, दीव को मजा आता है, दीव खुश होती है ना तो मैं खुश हो जाती हूँ। दीव के लिए मैंने दो से तीन ड्रेसेस ली थी,
एक तो यही है जो इसने पहन रखी है, इसे याद आ गई। अभी जाएगी अंदर, अंदर जाएगी। सो गाइस चलो मैं बाद में मिलेगी नहीं तुझे, रहने दे मुझे, खुद ही याद नहीं कहाँ रखी है। मैं कल दिखाऊंगी सारी चीजें, कल सुबह दिखा दूंगी मैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आप लोगों को आज कल देख, ये दरवाजा भी खुल रहा है, क्या बात है, क्या बात है, तालियां। तो गाइस जैसे कि आप, मैंने आपको बोला था, मम्मी ने आपको बोला था कि मैं कल अपना गेम दिखाऊंगी, तो मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। बाय गाइस। नहीं।